दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे ओडिसेफ और ड्रॉप्स के बारे में, आपको जानकारी देंगे। छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स बनाई गई है और इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने हमारा YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन चैनल पर देख पा रहे हैं, ओडिसेफ ओ के अंदर जो है सिफेक्जिम है और 25 मिलीग्राम की मात्रा में, यानी बहुत ही छोटे बच्चे जो बोर्न बेबी हैं तो उनके लिए इसे बनाया गया है। GL यानी गल्फा लेबोरेटरी इसको बनाती है और इसके बारे में पूरा हम डिटेल बात कर रहे हैं, किस तरह की दवाई है और किन किन बीमारियों परेशानियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सिफेक्जिम सोल्ट के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो ड्रॉप्स है दोस्तों, इसके अंदर सिफेक्जिम है 25 मिलीग्राम की मात्रा में और ये 50 मिलीग्राम की मात्रा में भी ड्राई सिरप मिल जाता है बच्चों में। इसके अलावा 100 मिलीग्राम में भी मिल जाता है, वो थोड़ा जो ज्यादा बड़े बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये एक GL यानी गल्फा जो लेबोरेटरीज है इसका ये एक एथिकल ब्रांड है, यानी ये जेनरिक दवाई नहीं है, तो ये एथिकल दवाई है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले सिफेक्जिम के बारे में, तो यह एक सेफोलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न संक्रमण को कम करता है और उसे खत्म करता है। उन बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी किन किन परेशानियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, ये पाउडर फॉर्म है और इसके अंदर जो है ये डिस्टिल वाटर डाला जाता है और ये ड्रॉपर होता है, छोटे बच्चों को बूंद बूंद दिया जाता है, तो इस तरह की दवाई है। बात करते हैं दोस्तों इसके जो है फायदे के बारे में। जैसे कि मैंने बताया ये एक एंटीबायोटिक दवाई है और ये खास तौर से जो संक्रमण हो जाए, जैसे टाइफाइड बुखार हो जाना, आंख का संक्रमण हो जाना बच्चों में, आंख में संक्रमण का हो जाना, नाक में किसी भी तरह का संक्रमण हो जाना, इसके अलावा मूत्र मार्ग संक्रमण UTI जिसको बोलते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्किन का किसी भी तरह का संक्रमण है तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और छोटे बच्चों में चोट मोच घाव किसी भी तरह का या फोड़े फुंसी किसी भी तरह की परेशानी है स्किन की, तो उसमें इसे बहुत ज्यादा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा जो है निमोनिया हो जाना बच्चों में या फीवर हो जाना, जो अगर फीवर हो जाता है तो पेरेस्टोमोल के साथ में एंटीबायोटिक के तौर पर इसे दिया जाता है। तो दोस्तों यह बैक्टीरिया को ये किल करता है और बैक्टीरिया से जो उत्पन्न संक्रमण होता है तो उसको ये खत्म करता है और ये जो है किसी भी तरह के जो संक्रमण होता है तो उनको ठीक करने में मदद करता है। तो एक बहुत अच्छी दवाई है, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा इसको चलाया जाता है, बहुत ज्यादा चलने वाली ये दवाई है। और ओडिसेफ ओ जो है दोस्तों खास तौर से छोटे बच्चों के लिए बनाया गया, एक ड्रॉप की फॉर्म में है, यानी बहुत ही कम मात्रा में है, 25 मिलीग्राम की मात्रा में। डोज की बात करता हूँ तो बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह लेकर छोटे बच्चों में तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साइड इफेक्ट की बात करता हूँ तो दस्त हो सकते हैं और पेट में गैस, स्वाद का बदलना, चक्कर, टाइफाइड और इस तरह की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और डॉक्टर द्वारा इसे टाइफाइड बुखार में बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस सॉल्ट को, तो बहुत ज्यादा इसको चला जाता। तो ओडिसेफ ओ बहुत ही जबरदस्त दवाई है छोटे बच्चों के लिए। दोस्तों जाना आपने ओडिसेफ ओ ड्रॉप के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।